नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर की जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित अन्य 14 लोगों को एक दिन की सजा के साथ ही 10,000 के जुर्माने की सजा दी है। बता दें, पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति प्रदर्शन किया था। उसी पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है। सन 2018 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ बिना अनुमति जमकर हंगामा किया था। इस पूरे मामले में देपालपुर पुलिस ने धारा 186 और 143 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। वहीं इस पूरे मामले में धारा 188 के तहत कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है, जबकि 143 के तहत पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित अन्य 13 लोगों को सजा से दंडित किया है। जो वहीं आरोपी पक्ष के वकील का ऐसा कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने में धारा 188 में कोर्ट में बरी कर दिया गया, जबकि सार्वजनिक जगह पर हुड़दंग करने वाले मामले में हमें सजा सुना दी गई। 143 के मामले में कोर्ट ने एक दिन की सजा, जिसमें सुबह से शाम तक कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई, साथ ही प्रत्येक आरोपी से 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। तो वहीं इस फैसले को लेकर स्पेशल कोर्ट में भी पूर्व विधायक के द्वारा याचिका लगाई जाएगी। वहीं पूर्व विधायक को कोर्ट नंबर 41 से जस्टिस सुरेश यादव की कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित कृपा राम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश पाटीदार, पूर्व पार्षद मोहन चौधरी, इकबाल मंसूरी सहित अन्य लोगों को सजा सुनाई है। इसको लेकर आप पूर्व विधायक के एडवोकेट अन्य कोर्ट में अपील करने की बात कह रहे हैं। देखो, हमने ऐसे कई धरने प्रदर्शन किए जो कि पर्टिकुलर 10-12 केस है, जो 2-4 तो बरी हो चुके हैं। यही जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो धरने प्रदर्शन जनता के हित के लिए। और प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा ही एक आंदोलन, धरना प्रदर्शन ही एक माध्यम है जो कि सरकार के सामने हम अपनी बात रख सके। ये प्रदर्शन कब का था? और ये प्रदर्शन संभवतः 5-6 साल पहले था। पूरी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, ऑर्डर की कॉपी में सारा स्पष्ट होगा। क्या कहना चाहेंगे सजा? और इसमें सवाल ये है कि मैं नहीं मानता मुझे सजा हुई है, क्योंकि सारे ऑर्डर में सारी स्थिति सामने है जो आपके सामने है। और जनता के मुद्दे को हम हमेशा, किसानों के मुद्दे थे, मजदूरों के मुद्दे थे, नौजवानों के मुद्दे थे, उस मुद्दे को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया। शायद ये भी मुझे नहीं मालूम, वो डेट में सारी चीज आई जाएगी, जो ऑर्डर में था या नहीं था ये सारी चीज सामने आ जाएगी। तो किन मुद्दों को लेके मैदान में हम ये मुद्दे थे, किसानों का जो वसूली, बैंक वसूली जो होती है, एक उदाहरण तौर पे 1 तारीख को वसूली हो रही, और जो समर्थन मूल्य पे गेहूं और अनाज तुलना था वो 20 तारीख को तुलना था। तो हमारी लड़ाई ये थी कि या तो 20 तारीख तक बैंक का टाइम बढ़े, या 1 तारीख से पूर्व जनता का फसल को समर्थन मूल्य से गवर्नमेंट खरीदे। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि प्राकृतिक प्रकोप हुआ था, जिससे मुआवजा मिलना था, वो सरकार जांच में आनाकाना करके और उसको रोक रही थी। तीसरा मुद्दा ये था कि बिजली के बिल जो किसान नहीं भर पा रहा था, उसके लिए तमाम केस बनाकर कई किसानों को जेल में डाला जा रहा था, जिसके कई उदाहरण हैं। इन सब मुद्दे को लेकर हम जनता की अदालत में प्रजातांत्रिक ढंग से, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, धरना आंदोलन और प्रदर्शन किया। और हमने धरना जो दिया वो पूरा शांतिप्रिय था, न कि हमने कोई तोड़फोड़ की, न कि कोई हमने सरकारी संपत्ति और कोई जनता के ट्रैफिक में व्यवधान बने। प्रजातंत्र में ये एक अधिकार है और इसके लिए हम जनता के हर हितों के लिए प्रजातांत्रिक ढंग से संघर्ष करते रहेंगे और करते रहेंगे, और साथ ही न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा उसको हम मानते रहेंगे। 2018 का मामला है, किसानों की फसलें खराब हुई थी, उसके मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया था, किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया था। शासन का ऐसा कहना है कि हमने बगैर अनुमति के प्रदर्शन किया, माननीय सत्यनारायण पटेल और उनके जो 13 साथी, उन्होंने बगैर अनुमति के प्रदर्शन किया, जिसको लेकर देपालपुर थाना अंतर्गत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, धारा 188 और 143 के अंतर्गत, जिसमें हमें अभी ऑर्डर की कॉपी प्राप्त हुई है, इसका हमने अध्ययन किया है। हमको 188 में हमने शासन के विरुद्ध कभी किसी अनुमति के प्रदर्शन किया तो हमें 188 से बरी कर दिया गया, और 143 के अंतर्गत हमको सजा दे दी गई। 143 कहती है कि सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करना, जब हमने प्रदर्शन किया बगैर अनुमति के उसमें हमको बरी कर दिया, और 143 के अंदर हमको एक दिन, मतलब शाम तक कोर्ट उठने तक की सजा, और 10,000 रुपये का दंड 14 आरोपियों से भरने को कहा गया, जिसमें हमने 1,40,000 रुपये भर दिए हैं।
और सजा का स्थगन के लिए हमने 389 के अंतर्गत सस्पेंशन ले लिया है और हम माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के वहाँ स्पेशल कोर्ट जो इसके ऊपर है सत्र न्यायाधीश साहब के वहाँ इसके 30 दिन के अंतर्गत जमाना मतलब अपील करेंगे और अपील पर हम लोग अपील पर हम स्थगन लेंगे उसमें क्योंकि हम निर्दोष है क्योंकि हमें 188 के अंतर्गत दोष मुक्त किया गया है। हमने शासन विरुद्ध काम किया हमें बहुत दोष मुक्त कर दिया और 143 के अंदर हमको कहा कि आप 188 ये कहती है 188 सेक्शन जो है वो ये कहती है कि बगैर करीबन 14 लोग थे माननीय पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल साहब है, मिथिलेश जोशी जी हैं, आदित्य दीक्षित जी हैं, कृपाराम बासा जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने इकबाल गनी साहब हैं, पोपलाल जी बॉक्सिंग हाँ कोर्ट ने शाम को 4:30 और 4:30 करीब हमें कोर्ट द्वारा बताया गया और ऑर्डर की कॉपी हमें 15 मिनट पहले मिली है। कौन सी कोर्ट की है? सुरेश यादव जी जेडीएससी हैं, जुडिशियल मिनिस्टर फर्स्ट क्लास स्पेशल कोर्ट है ये। 3 साल से नीचे तक की सजाओं का एक एमपी एमएलए कोर्ट है ये। 3 साल तक जिसकी सजा होती है उसके प्रकरण सुनवाई का अधिकार है। संतोष यादव एडवोकेट मैं सत्यनारायण पटेल साहब का यहाँ पर का देख रहा हूँ और माननीय जितेंद्र गोड़ साहब हैं, मुकेश सेठिया जी, सौरभ वर्मा जी, दीपक पटेल साहब, सभी हमारी टीम है, लीगल हमारे जो वकीलों की टीम। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।